हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार फिट आईटीआई पर। तो मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर या आईटीआई टीओ के नाम से आप लोग इसको जानते होंगे, एमपी आईटीआई टीओ। आईटीआई टीओ यानी कि ट्रेनिंग ऑफिसर या किसी भी राज्य के आईटीआई अनुदेशक, अनुदेशक यानी कि इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं और आपकी ट्रेड फिटर है तो ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है, कंप्लीट देखना है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर फिटर ट्रेड की आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ऑब्जेक्टिव की, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। किसी भी परीक्षा के लिए पढ़ रहे हो, किसी भी इंस्ट्रक्टर, किसी भी राज्य के अनुदेशक परीक्षा के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, वो प्लेलिस्ट मस्ट है आपके लिए, वो जा करके आप कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। तो आज हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन पेपर हुआ था 2022 में, आपका नोटिफिकेशन आया था आईटीआई टीओ का और उसका एग्जाम हुआ था 2023 में, उसके फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे जितना हो सकेगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा ऑलरेडी डिटेल लेक्चर बहुत सारा अवेलेबल है, आप सबने देखा होगा। तो बस आंसर आंसर पर हम लोग देखेंगे और ये एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था, उस हिसाब से आपको अभी भी तैयारी को बूस्ट करना है ना। तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए हमारा अनुदेशक बैच चल रहा है, प्ले स्टोर पर जाएंगे आप, हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे या जो वीडियो आप देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। इसमें आपको वीडियो क्लास मिलेगी। वीडियो क्लास कैसी मिलेगी? थ्योरी मिलेगी पूरी डिटेल है ना, चैप्टर वाइज। उसके बाद क्लास नोट्स मिलेगा। क्लास नोट्स कैसा? हाथ से लिखा हुआ है कॉपी पे, उसी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसके अलावा 10 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। कितने टेस्ट मिल जाएंगे? 10। अभी 10 मॉक टेस्ट हैं, बाद में और ज़रूरत पड़ेगी और मुझे भी लगेगा कि और भी ज़रूरत है तो उसमें मॉक टेस्ट और ऐड हो जाएंगे। बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है मॉक टेस्ट ऐड करने में। उसके अलावा इसकी फ़ीस जो है 499 रुपये है ना। बहुत सारे लोग डिस्काउंट की बात करेंगे तो ऑलरेडी मैंने बहुत ही डिस्काउंटेड फ़ीस रखी है इसमें, क्योंकि मुझे पता है कोई भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। तो फ़ीस बहुत ही अफोर्डेबल है, एक साल की वैलिडिटी के साथ है। तो इस कोर्स में आप लोग जुड़ेंगे, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा, बहुत ही अच्छा परिणाम आपका रहेगा। क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ आप सीरियल से, कॉन्सेप्ट के तरीके से पढ़ते हैं तो आपको उसका रिजल्ट मिलता है। आते हैं हम लोग अपने सवालों पे। देखिए, एमपी आईटीआई टीओ 20 दिसंबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। इसके बाद जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था उसका भी एनालिसिस करेंगे। उसके बाद 2016 या 18 में भी एक पेपर हुआ था उसका भी एनालिसिस हम लोग कर लेंगे, है ना। यहाँ नहीं तो एप्लीकेशन पे कर लेंगे, फिलहाल ये क्लास यहाँ पे हो रही है तो इसका आप लोग इंजॉय करिए और अच्छे से देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन, शेयर वगैरह सारी चीज़ें आप करते रहें। चलिए, सवाल नंबर एक है। सवाल नंबर एक क्या कह रहा है दोस्त? विच टाइप ऑफ फिट में आइदर प्रोवाइड क्लियरेंस एंड इंटरफेरेंस इन सेम इंटेंस, मतलब किस प्रकार का फिट या तो कुछ मामलों में निकासी और इंटरफेरेंस प्रदान करता है। देखिए, टाइप ऑफ फिट जब आप पढ़ेंगे तो फिट आपको तीन प्रकार से देखने को मिले। कौन कौन से फिट? अगर हम लोग आपको फिगर के तरीके से दिखाने की कोशिश करें तो अगर टाइप ऑफ फिट आप लोग देखेंगे, टाइप ऑफ फिट अगर आप देखें तो आपको एक तो आपको देखने को मिलेगा क्लियरेंस फिट। क्या देखने को मिलेगा? क्लियरेंस फिट। दूसरा आपको क्या मिलेगा? इंटरफेरेंस फिट। और तीसरा आपको क्या मिलेगा? ट्रांजिशन फिट। अब सवाल ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा फिट है, ऐसा कौन सा फिट है जो दोनों कंडीशन में हमको क्या कर रहा है, या तो हमको क्या दे रहा है, या तो हमको ट्रांजिशन दे रहा है, या तो हमको इंटरफेरेंस दे रहा है। क्या दे रहा है? या तो हमको क्लियरेंस दे रहा है, या तो इंटरफेरेंस दे रहा है। ऐसा कौन सा फिट है जिसमें हमको क्लियरेंस भी मिल सकता है और इंटरफेरेंस भी मिल सकता है? तो ध्यान से देखिएगा, जो आपका क्लियरेंस फिट है इसमें हमेशा हमेशा आपको क्या मिलेगा? क्लियरेंस मिलेगा, हमेशा आपको क्लियरेंस मिलेगा। क्योंकि देखिए, ये क्या है? ये साफ्ट हो गया, ये आपका होल हो गया। जब आप देखेंगे तो मैक्सिमम क्लियरेंस इसका कितना है? यहाँ से, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैक्सिमम क्लियरेंस है और यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा? ये मिनिमम क्लियरेंस कहलाएगा। तो अगर हम लोग मिनिमम भी लेंगे, अगर हम लोग मिनिमम क्लियरेंस लेंगे होल का और मैक्सिमम क्लियरेंस लेंगे किसका? साफ्ट का, यानी कि ये बड़ा वाला साफ्ट और सबसे छोटा वाला होल अगर हम लोग लेंगे तब भी हमको क्या मिलेगा? हमेशा थोड़ा सा थोड़ा क्या मिल जाएगी? गैप मिलेगी। हमेशा थोड़ा ना थोड़ा क्या मिलेगा? हमको क्लियरेंस मिलेगा। तो इसमें हमेशा क्या मिल रहा है क्लियरेंस फिट में? सिर्फ और सिर्फ क्लियरेंस फिट रहा है, तो हमारा ऑप्शन इससे सेटिस्फाई नहीं होता है। दूसरा क्या कह रहा है, क्या बोला है उसने? या तो क्लियरेंस मिलेगा या तो क्या मिलेगा हमको? इंटरफेरेंस मिलेगा हर कंडीशन में। अब इंटरफेरेंस में आप देखेंगे कि कभी भी आपको क्लियरेंस नहीं मिलेगा, हमेशा आपको इंटरफेरेंस, यानी कि आप देख रहे हैं ना,
कि जबरदस्ती जो है आपको क्या किया जा रहा है, होल में शाफ्ट को इंसर्ट कराया जा रहा है। चाहे आप यहाँ पे मिनिमम क्लियरेंस को लें, चाहे यहाँ पे आप मैक्सिमम क्लियरेंस को लें, चाहे आप बड़े वाले होल को कंसीडर करें, चाहे छोटे वाले होल को, अगर आप बड़े से बड़े वाले होल को भी कंसीडर करते हैं, तब भी आप देखेंगे शाफ्ट का छोटा से छोटा शाफ्ट वाला साइज भी क्या हो रहा है, इस होल को पार कर जा रहा है। इसका मतलब क्लियरेंस तो इसमें नहीं मिलने वाला है। थ्योरी में देखोगे दोस्तों तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, है ना। आप देखो ट्रांजिशन फिट में आप क्या देखोगे, ट्रांजिशन फिट में अगर होल का हम लोग क्या करते हैं, होल का सबसे बड़ा है ना मैक्सिमम क्लियरेंस लेते हैं, और शाफ्ट का हम लोग चाहे मैक्सिमम लें चाहे मिनिमम लें, हमारे पास क्या मिल जाएगा, क्लियरेंस मिल जाएगा। अरे मिलेगा कि नहीं भाई, मिलेगा। क्यों? क्योंकि होल हमने लिया सबसे बड़ा वाला, ये लिमिट है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट पूरा चैप्टर है अपने आप में। तो देखिए यहाँ से अगर हमने सबसे मैक्सिमम क्लियरेंस लिया और इस शाफ्ट का हमने सबसे मैक्सिमम साइज लिया, तब भी हमारे पास थोड़ी सी जगह यहाँ पे बच गई, थोड़ा सा क्लियरेंस बच गया। अगर इसी कंडीशन में हम लोग क्या करें, इसका लोअर क्लियरेंस लेते हैं और इसका हम लोग अपर क्लियरेंस लेते हैं, है ना, अपर लेवल लेते हैं, मैक्सिमम लिमिट अगर इसकी लेते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस मिलेगा। यानी उस कंडीशन में ज़बरदस्ती जो है हमारा शाफ्ट जो है होल में इंसर्ट कराया जाएगा। यानी मेरे दोस्त की ट्रांजिशन फिट में हमको दोनों चीज़ें मिल सकती हैं, चाहे वो क्लियरेंस मिल जाए चाहे वो इंटरफेरेंस मिल जाए, डिपेंड करेगा कि आप किस साइज को ले रहे हैं, मैक्सिमम साइज को ले रहे हैं या मैक्सिमम साइज को ले रहे हैं, मैक्सिमम लिमिट को ले रहे हैं या मिनिमम लिमिट को ले रहे हैं। तो जो आपका ऑप्शन होगा दोस्त वो क्या होगा आपका, वो क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे वो आपका क्या होगा, ट्रांजिशन, इंटरफेरेंस और क्लियरेंस दोनों किस पे मिल रहा है, ट्रांजिशन पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन फिट हो जाएगा, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। आई बात समझ में, ट्रांजिशन फिट। हालांकि इतना डिटेल में जाएंगे तो आपका सवाल हो नहीं पाएगा, कोशिश करते हैं थोड़ा स्पीड में। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आई क्या बात, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से आपको आपसे क्लियरेंस भी पूछ लेगा तो आप क्लियरेंस भी बताएंगे, इंटरफेरेंस पूछ लेगा तो इंटरफेरेंस भी बताएंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन का ये फायदा। आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच डिवाइस इज यूज टू रिड्यूस वाइब्रेशन इन इंजन्स एंड टॉर्क ऑस्किलेशन, है ना। क्या कह रहा है कि इंजनों में कंपन और टॉर्क दोलनों को कम करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसके ऑप्शन से क्या समझ में आ रहा है कि कपलिंग की बात पूछ रहा है, कपलिंग की बात पूछ रहा है। कपलिंग क्या होती है ना, देखिए शाफ्ट जो है बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाए जा सकते, है ना, बहुत ज़्यादा 6-7 मीटर से बड़े शाफ्ट तो बनाए नहीं जा सकते। उन शाफ्ट को आपस में जोड़ने के लिए पावर एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में ट्रांसमिट हो पाए, उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कपलिंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कपलिंग का। अब ये सवाल क्या कह रहा है कि ऐसी कपलिंग का आप लोग नाम बताइए जो कि वाइब्रेशन को क्या करे, रिड्यूस वाइब्रेशन, कंपन को क्या करे, कम करे, वाइब्रेशन को कम करे। तो हमारे पास ऐसा क्या एग्जाम्पल है आपके पास, आपके पास देखिए जो ओल्डम कपलिंग होती है ना, अगर आपके पास कोई शाफ्ट है जो कि पैरेलल है एक दूसरे से, समांतर है, समांतर है, अगर उसमें आपको पावर ट्रांसमिट करनी है, उस कंडीशन में आपके पास क्या आएगी, ओल्डम कपलिंग आएगी। उस कंडीशन में आपके पास कौन सी कपलिंग आएगी, ओल्डम कपलिंग आएगी। और जब आपको वाइब्रेशन रिड्यूस करने की बात करें, वहाँ पर आप क्या ठीक करेंगे, टायर कपलिंग यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे दोस्त, टायर कपलिंग। टायर कपलिंग का फिगर तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन टायर कपलिंग के बीच में टायर ही लगा होता है, और टायर जैसी संरचना आपको दिखती भी है, जो कि क्या करता है, हल्के फुल्के वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इतनी बात क्लियर हुई, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके पास क्या है, विच इज यूज फॉर वेल्डिंग ऑल काइंड्स ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड। कह रहा है कि इसका किस टाइप का वेल्डिंग है जो फेरस यानी कि लौह धातु एवं नॉन फेरस यानी कि अलौह धातु दोनों प्रकार की वेल्डिंग धातुओं की वेल्डिंग करता है यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड। अब जिसमें कार्बन इलेक्ट्रोड यूज होता हो, तो कार्बन इलेक्ट्रोड यूज करने वाली वेल्डिंग हमारे पास क्या होती है, कार्बन आर्क वेल्डिंग। एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो कार्बन आर्क वेल्डिंग होती है इसमें इलेक्ट्रोड जो होता है वो नॉन कंज्यूमेबल होता है। तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि कार्बन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड कैसा होता है, तो नॉन कंज्यूमेबल। और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे टीआईजी वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, है ना, ठीक है। वेल्डिंग में भी जो आपका इलेक्ट्रोड होता है टंगस्टन का, वो कैसा होता है, नॉन कंज्यूमेबल होता है, ठीक है। अब देखिए विच इज यूज फॉर वेल्डिंग काइंड्स ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल, तो वो हो जाएगा कार्बन आर्क वेल्डिंग। अच्छा एक यहाँ पे एक अलग टर्म भी है हमारे पास, एटॉमिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए बट वेल्डिंग के बारे में आपको पता होगा, फ्लैश बट वेल्डिंग, बट वेल्डिंग है ना, बट एक प्रकार का जोड़ होता है, फ्लैश बट वेल्डिंग एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रकार होती है ना, प्रतिरोध वेल्डिंग का। फोर्ज वेल्डिंग के बारे में भी आपको पता है कि एक प्रकार की सॉलिड वेल्डिंग है, मैंने हर एक चीज़ वेल्डिंग का चैप्टर अनुदेशक बैच में करवा दिया है, 3-4 लेक्चर में वेल्डिंग पूरी कंप्लीट है बहुत तरीके से। फोर्ज वेल्डिंग में आपने देखा था वहाँ पे कि ये क्या है, एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है जिसमें हम लोग मटेरियल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं,
है ना, उसके मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा पहले, उसके बाद हम लोग उसको हैमरिंग करके पीट पीट करके वेल्डिंग क्रिया अपनी कंप्लीट करते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग जो है दोस्त, ये थोड़ी सी नई टेक्निक है। अब देखिए, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग जो है आपकी, वो क्या होती है, उसमें दो इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं? दो इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, यही खासियत है इसकी। ये दोनों इलेक्ट्रोड किसके होते हैं? आपके टंगस्टन के, टंगस्टन के। यही इंपॉर्टेंट था, ये आपसे पूछा जा सकता था कि एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग यानी इसमें दो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे हम लोग, और दोनों इलेक्ट्रोड किसके होंगे? टंगस्टन के होंगे, है ना, किसके होंगे? टंगस्टन के होंगे। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? कार्बन आर्क वेल्डिंग, यानी कि कार्बन इलेक्ट्रोड का उपयोग करके सभी प्रकार की लौह और अलौह धातुओं का वेल्डिंग किया जा सकता है। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। विच फॉर्म ऑफ ड्रिल हैज टू आर मोर स्पाइरल फ्लूट फॉर्म अलॉन्ग इट्स लेंथ, कह रहा है कि ऐसा कौन से प्रकार का ड्रिल है। अब ड्रिलिंग भी मैंने करा दिया है, ड्रिलिंग चैप्टर दो चैप्टर में, दो क्लास में आपका कंप्लीट है। ड्रिल मैंने अलग अलग टाइप के ड्रिल बताया, फिर हमने ट्विस्ट ड्रिल के बारे में भी आपको पढ़ाया उस क्लास में। उसमें हमने बताया था कि दो या दो से ज्यादा स्पायरल फ्लूट होते हैं, उसमें दो या दो से क्या होते हैं, ज्यादा स्पायरल फ्लूट होते हैं। किसमें? आपके होते हैं आपके ट्विस्ट ड्रिल में। और मैक्सिमम ड्रिलिंग काम के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो आपका ड्रिल है, ये क्या है? ये टूल है। ड्रिलिंग तो मशीन है, ड्रिलिंग ऑपरेशन है। ड्रिल मशीन में जो टूल यूज करते हैं हम लोग कटिंग के लिए, कर्तन के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्विस्ट ड्रिल बोलते हैं, है ना। तो ये क्या है? आपका ट्विस्ट ड्रिल है, जो कि क्या करता है, जिसमें दो या दो से अधिक स्पाइरल फ्लूट होते हैं। क्या होते हैं? दो या दो से अधिक स्पाइरल फ्लूट होते हैं। देखिए, जो फ्लूट है ना, कभी कभी फ्लूट का एंगल भी आपसे पूछेगा, तो फ्लूट का एंगल कितना होता है मेरे दोस्त? तो वो होता है 27.5 डिग्री, फ्लूट एंगल। इसके अलावा पॉइंट एंगल भी, पॉइंट एंगल भी पूछेगा, तो वो होता है 118 डिग्री। अब देखिए, ये पॉइंट एंगल जनरल पर्पस के लिए, अगर मटेरियल हार्ड हो जाता है तो 118 से हम लोग इसको बढ़ा देते हैं, मटेरियल सॉफ्ट है तो 118 से इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जनरल पर्पस के लिए पॉइंट एंगल हम लोग ड्रिल का कितना रखते हैं? 118 डिग्री रखते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, बिल्कुल, है ना। इसी को हम लोग कटिंग एंगल भी कहते हैं, कटिंग एंगल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल कहते हैं। और ये मटेरियल जो बना होता है किसका बना होता है? हाई स्पीड स्टील का। ये भी आपसे पूछा है ना, यानी कि उच्च चाल, हाई स्टेनलेस स्टील, हाई स्पीड स्टील। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, अगले सवाल पे आते हैं। एक मानक ड्रिल बिंदु कोण क्या होता है? क्या कह रहा है? व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ स्टैंडर्ड ड्रिल? वही चीज जो मैंने पीछे बताया है ना, 118 डिग्री स्टैंडर्ड ड्रिल है। ये बढ़ेगा घटेगा कब? मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि जो आप वर्कपीस जिसकी आप कटिंग कर रहे हैं, जिसमें आप सुराख बना रहे हैं, वो मटेरियल हार्ड है तो ये बढ़ जाएगा, मटेरियल अगर सॉफ्ट है तो ये कम हो जाएगा, है ना, जाहिर सी बात है। तो इसका एक मानक ड्रिल बिंदु का कोण क्या होता है? तो होता है 118 डिग्री। देखते चलिएगा, यही सवाल सब पूछे जाते हैं और ये सारे एक्सप्लेनेशन हमने आपके लिए करवाए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच मशीन बाई इट्स करेस्पॉन्डिंग मैन्युफैक्चरर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक मशीन के लिए उसके संबंधित निर्माता द्वारा तैयार किया जाता है। तो देखिए, जो संबंधित मशीन होती है उसका जो मैन्युफैक्चरर होता है वो क्या बनाता है? एक टेस्ट चार्ट बनाता है। हर एक, देखिए, जब टेस्टिंग होती है किसी भी मशीन की, तो हर एक पार्ट्स का टेस्ट होता है, हर एक चीज़ का उसमें टेस्ट होता है, तो एक चार्ट बनता है उसमें, है ना, ओके है नहीं ओके है, क्या फॉल्ट है क्या नहीं फॉल्ट है, तो वहाँ पे क्या बनता है? टेस्ट चार्ट बनता है। टेस्ट चार्ट किसके द्वारा बनाया जाता है? वो बनाया जाता है संबंधित मैन्युफैक्चरर द्वारा, संबंधित जो आपका मैन्युफैक्चर कर रहा है, संबंधित निर्माता द्वारा। तो ये पूछा जा सकता है आपसे पलट के सवाल कि टेस्ट चार्ट किसी भी मशीन के लिए किसके द्वारा बनाया जाता है? तो संबंधित मैन्युफैक्चरर के द्वारा, है ना, जो मैन्युफैक्चरर है उसके द्वारा। आगे बढ़े, देखिए, विच इज प्लेस्ड अंडर द नट इन एन असेंबली एंड अवेलेबल विथ सिंगल और डबल क्वाइल, कह रहा है कि असेंबली में नट के नीचे किसे रखा जाता है और सिंगल या डबल क्वाइल के साथ उपलब्ध होता है। देखिए, ये सीधी सी बात, वॉशर की बात कर रहा है, वॉशर की बात कर रहा है। वॉशर क्या होता है? जो आपका नट और बोल्ट है ना, नट और बोल्ट की जो संरचना होती है, इन दोनों के बीच में लॉकिंग डिवाइस का काम क्या करता है? आपका वॉशर करता है ना।
कौन करता है आपका, वॉशर करता है, लॉकिंग डिवाइस का काम करता है। तो अगर किसी में सिंगल या डबल कॉइल लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो स्प्रिंग वॉशर हो गया। स्प्रिंग वॉशर आपने कई जगह देखा होगा कि दो कॉइल के रूप में नट के नीचे उसको प्लेस कर दिया जाता है। अब देखिए ये क्या है, स्प्रिंग वॉशर की बात कर रहा है, विच इज प्लेस्ड अंडर द नट इन अ असेंबली एंड अवेलेबल विद सिंगल और डबल कॉइल, वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा स्प्रिंग वॉशर कहलाएगा। क्लियर है क्या? ये क्या है आपका, एक प्रकार का लॉकिंग डिवाइस है। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं टैब वॉशर, टैब वॉशर, टैब वॉशर क्या होता है, ये भी क्या है, अगर कहीं पे कॉर्नर पे आपका नट लगा हुआ है, कॉर्नर पर अगर नट लगा हुआ है ना, कॉर्नर नट की लॉकिंग के लिए, कहीं किनारे पर अगर लगा हुआ है ना, यही यानी कि अगर कहीं किनारे पे नट और बोल्ट की असेंबली है और कॉर्नर पे किनारे पे आपको उसके उसको लॉक करना है, उसको नट को खुलने से रोकना है, उस कंडीशन में जो आप यूज करोगे, क्या यूज करोगे आप लोग, टैब वॉशर यूज करोगे, है ना। ये है आपका ग्रूव नट, इसको हम लोग पिनिंग नट के भी नाम से जानते हैं, पिनिंग नट। ये क्या होता है, सिंपल हेक्सागोन नट होता है, ये भी खूब यूज किया जाता है, मैक्सिमम जगह आप लोग अपनी बाइक कार हर एक जगह देखेंगे तो हेक्सागोन नट ही आपको देखने को मिले। तो ये क्या है आपका, टैब वॉशर हो गया। टैब वॉशर क्या हो गया, जहां पे कहीं पे आपको कॉर्नर पे जरूरत पड़ रही है, अगर किनारे पे अगर कहीं जरूरत पड़ रही है कि हमको नट और बोल्ट को लॉक करना है किसी प्रकार से, उसमें ढीला ना हो नट खुले ना, तो वहां पे हम लोग टैब वॉशर का यूज करेंगे। ग्रूव नट को हम लोग क्या बोलेंगे, पिनिंग नट के भी नाम से जानते हैं, और पिनिंग नट बेसिकली क्या होता है, हेक्सागोन नट होता है। उसके अलावा स्प्रिंग वॉशर के बारे में हमने आपको बताया, लॉकिंग प्लेट भी क्या है, लॉकिंग डिवाइस है। आगे बढ़ें, एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन किए जाने पर किस प्रकार के बुशेस का प्रयोग किया जाता है, कह रहा है विच टाइप ऑफ बुशेस आर यूज्ड व्हेन मोर देन वन ऑपरेशन इज परफॉर्म इन द सेम लोकेशन, है ना। देखिए अगर कहीं पे ऐसा बुश आपको यूज करना हो जहां पे एक से अधिक ऑपरेशन एक ही लोकेशन पर, एक लोकेशन पर एक से अधिक ऑपरेशन, एक से अधिक ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करना है, उस कंडीशन में जो आप बुश यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे आप लोग, स्लिप रिन्यूएबल बुशेस। क्या यूज करेंगे, स्लिप रिन्यूएबल बुशेस यूज करेंगे। क्लियर है? देखिए अगर हम लोग ये सारे कहाँ होते हैं, यूज किए जाते हैं ड्रिल में, यूज किए जाते हैं इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिल बुश की बात कर रहा है, ये कहाँ की बात कर रहा है, ड्रिल बुश की बात कर रहा है, यानी कि कहीं के आप कहीं पे आप ड्रिलिंग कर रहे हैं, कहीं पे आप टैपिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये ड्रिल बुश क्या काम करते हैं, लोकेट करने का काम करते हैं कि कहाँ पे आपको होल करना है, लोकेट करते हैं, साथ ही साथ आपको गाइड भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, है ना। ये सारे प्रेस फिट बुश, लीनियर बुश, फिक्स रिन्यूअल बुश और स्लिप रिन्यूअल बुश क्या करते हैं, ये सब करते हैं आपका ड्रिल बुश हैं। ये सब क्या काम करते हैं, आपको लोकेट करते हैं आपके वर्कपीस को, साथ ही साथ गाइड करते हैं जहां पे आपको ऑपरेशन करना होता है। और जब भी कहीं एक लोकेशन पर एक से अधिक ऑपरेशन करना हो वहां पे आप क्या करेंगे, स्लिप रिन्यूअल बुश का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? ये ड्रिल टैप में भी यूज कर सकते हैं आप, ड्रिल में यूज कर सकते हैं, टैप में यूज करते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये ड्रिल बूस है तो सिर्फ और सिर्फ ड्रिलिंग में ही प्रयोग हुआ, इसको आप टैपिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ इसको आप रीमिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं, रीमिंग में भी क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी की तरफ थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं इसलिए इधर समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हिंदी वाले बच्चों के लिए मैंने टाइप करवा दिया है ट्रांसलेट करवा के, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन किए जाने पर किस प्रकार के बुशेस का प्रयोग किया जाता है, हम लोग स्लिप रिन्यूअल बुशेस का प्रयोग करते हैं, है ना, है ना। ये क्या होते हैं, ये आपके ड्रिल बुश होते हैं, वही मैंने इंग्लिश वालों को भी बताया, वही चीजें, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक तरफ शाफ्ट के साथ एक आयताकार पच्चर को कौन संदर्भित करता है जिसका उपयोग शाफ्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है। देखिए कह रहा है कि एक तरफ शाफ्ट के साथ एक आयताकार पच्चर, कोई अगर शाफ्ट है, आप देख रहे हैं ये कोई शाफ्ट है, इस शाफ्ट को आपस में क्या करना है, इनका आपस में रिलेटिव मोशन ना हो। रिलेटिव मोशन का मतलब ये है कि अगर इस शाफ्ट से इस शाफ्ट में आपको पावर ट्रांसमिट करनी है ना, तो ये शाफ्ट जब घूमे तो इसके साथ में ये शाफ्ट भी घूमे,
समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये शाफ्ट घूम जाए और ये शाफ्ट ना घूमे। तो ऐसे ज्वाइंट पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कॉटर का प्रयोग करते हैं। एक हम लोग क्या है, एक छोटा सा पच्चर लगा देते हैं। जैसे अगर ये शाफ्ट है आपके पास, आप बताइए, एक छोटी सी ऐसे एक शाफ्ट है, इसको हम लोग गोला गोला घुमा रहे हैं, इसके ऊपर हमको एक शाफ्ट और चढ़ाना है। ये फिसल जाएगा, जब ये घूमेगा तो ये फिसल जाएगा, नहीं घूम पाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे कटिंग करके एक छोटा सा कॉटर लगा दें तो क्या हो जाएगा, इसमें फंस करके क्या होगा, इसमें फंस करके ये वाली शाफ्ट भी क्या होगी, घूमने लगेगी। ये वाली भी शाफ्ट क्या होगी, घूमने लगेगी। वही चीज़ है, ये क्या है, कॉटर। और जो चीज़ हम लोग लगाते हैं, जो पच्चर हम लोग लगाते हैं, जो वेज हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं, WEDGE। जो वेज हम लोग लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉटर बोलते हैं, WTER, क्या बोलते हैं, कॉटर बोलते हैं, है ना। ये रॉड हो गया, और ये क्या है आपका, स्पिगॉट हो गया, वो पोर्शन जहाँ पर आपका ये स्लॉट कटा हुआ है रॉड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिगॉट बोलते हैं। और ये जो ऊपर कवरिंग चढ़ रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉकेट बोलते हैं। तो सॉकेट और स्पिगॉट ज्वाइंट भी इसको बोला जाता है। और यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, कॉटर लगाते हैं, क्लियर है। कॉटर ज्वाइंट भी होता है जो रेक्टेंगुलर, किसी आयताकार या किसी वर्गाकार शाफ्ट में आपस में रिलेटिव मोशन, है ना, पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉटर ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़े, किस प्रकार की फाइल में केवल चौड़े चेहरे पर दांतों के साथ एक सपाट त्रिकोणीय चेहरा होता है। विच टाइप ऑफ फाइल हैज अ फ्लैट ट्रायंगुलर फेस विद टीथ ऑन द वाइड फेस ओनली। कौन सी प्रकार की फाइल पे जो है आपका ट्रायंगुलर फेस विद टीथ ऑफ वाइड फेस ओनली, एक एक तरफ जो है ट्रायंगुलर फेस होता है और एक तरफ आपका क्या होता है दोस्त, एक तरफ आपका ट्रायंगुलर होता है और एक तरफ आपका टीथ होता है। आपकी है फाइल ये ट्रायंगुलर और एक तरफ इसमें क्या है, टीथ है, ये कहने का मतलब है। ये कौन सी फाइल होती है, तो ये होती है आपकी बरेट फाइल। क्या होती है आपकी बरेट फाइल। किस प्रकार की फाइल में केवल चौड़े चेहरे पर दांतों के साथ एक सपाट त्रिकोणीय चेहरा होता है ना, सपाट त्रिकोणीय चेहरा होता है, तो ये होता है आपका बरेट फाइल। जो फेस आपका चौड़ा रहेगा, है ना, जैसे जरूरी नहीं है, जो फेस आपका चौड़ा हुआ उसी पे आपके दांते हो जाएंगे, ये छोटा है इस पे दांते नहीं होंगे, इस पे दांते हो जाएंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बरेट फाइल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्त, बरेट फाइल होते हैं। ये किस काम में आता है, फिनिशिंग करने के काम आता है, कोई शार्प कॉर्नर है, फिनिशिंग वर्क के लिए ऑफ शार्प कॉर्नर, फिनिशिंग वर्क के काम आता है, किसी शार्प कॉर्नर, किसी तीखे किनारे के पास क्या होता है, ये फिनिशिंग करने का काम आता है। क्लियर है क्या दोस्त, यहां तक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। क्रॉसिंग फाइल जो है ना, यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये हाफ सर्कुलर फाइल होता है, ठीक है, हाफ सर्कुलर फाइल होती है। आगे बढ़ा जाए, फ्लेकिंग किसे कहते हैं, फ्लेकिंग। अब ये फ्लेकिंग एक नया टर्म है, फ्लेकिंग के बारे में हो सकता है बहुत कम लोग जानते होंगे, जिन्होंने प्रोडक्शन बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा उनको फ्लेकिंग के बारे में पता होगा। देखिए ये क्या होता है, ये होता है फ्रेस्टिंग, ये एक पैटर्न बनाने की प्रोसेस होती है। क्या होती है ये, अगर कोई पॉलिश आइटम है ना, अगर आपके पास कोई पॉलिश मटेरियल है, उसमें पैटर्न बनाना, किसी भी प्रकार का पैटर्न बनाना, उसमें पैटर्न बनाना आपका क्या कहलाता है मेरे दोस्त, वो कहलाता है आपका फ्रॉस्टिंग कहलाता है या फ्लैकिंग कहलाता है। व्हाट इज नोन एज फ्लैकिंग, तो फ्लैकिंग ही क्या है आपका, फ्रॉस्टिंग है। और फ्रॉस्टिंग क्या है, पैटर्न बनाना, कोई पॉलिश किया हुआ, एकदम फिनिश किया हुआ कोई आपके पास वर्क पीस है, उसमें अगर आपको क्या करना हो, पैटर्न बनाना हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका, फ्रॉस्टिंग कहलाएगा, है ना। बाकी बोरिंग आप जानते ही हैं, आपके पास कोई होल है उसको बड़ा करना, इसको टर्म में कैसे बोलेंगे, इनलार्जिंग होल, लैपिंग और होनिंग आप जानते ही हैं, ये फिनिशिंग प्रोसेस है ना, ये स्मूथ करने की प्रोसेस है, कोई रफ सरफेस है उसको क्या करेगी, ये फिनिश करेगी, है ना। तो बोरिंग, लैपिंग, होनिंग और फ्रॉस्टिंग, फ्रॉस्टिंग के बारे में आपको पता हो गया, फ्लैकिंग हो गया, पॉलिश्ड सरफेस पर क्या करना, पैटर्न बनाना। आगे बढ़े दोस्त,
आगे बढ़ा जाए। देखिए सब एमपीटीओ 20 दिसंबर 2022 21 शिफ्ट का पेपर है, ऑफिशियल पेपर है दोस्तों, ठीक है। स्टील नियम से माप को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अप्रत्यक्ष उपकरण क्या माने जाते हैं? देखिए मेजरमेंट हमने आपको पढ़ाया, वो भी एप्लीकेशन पे कंप्लीट है अनुदेशक बैच में, तो आप लोग जा करके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, वहाँ से अनुदेशक बैच की जितनी क्लासेस हैं आपके पास, अगर 15 दिन भी टाइम बचा है तो सारी की सारी क्लासेस आप कंप्लीट कर जाओ, 10 के 10 मॉक टेस्ट आप दे डालो और पूरी नोट्स एक बार रिवाइज कर लो, जो भी हमने हाथ से लिखी हुई नोट्स है, पूरी थ्योरी है, एक एक डाटा है उसमें, उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। देखो कह रहा है कि विच इज रिगार्डेड एज इनडायरेक्ट मेजरमेंट यूज फॉर ट्रांसफरिंग मेजरमेंट फ्रॉम द स्टील रूल। कह रहा है इनडायरेक्ट मेजरमेंट कौन सा है जो ट्रांसफर किया जाता है स्टील रूल के द्वारा। अब आपको पता है कि मेजरमेंट हमने पढ़ाया था, तो हमने आपको मेजरमेंट में बताया था, एक मेजरमेंट होगा आपके पास डायरेक्ट मेजरमेंट, एक मेजरमेंट होता है इनडायरेक्ट, है ना, और एक होता है कंपेरेटिव, यानी कि कंपेयर करने वाला मेजरमेंट। उदाहरण के लिए मैंने बताया था कि डायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब यह हुआ कि अगर आपको ये फोन हमारा मेजर करना है, आपने क्या किया, इसमें स्टील रूल आप लेकर के आए और आप इसको डायरेक्ट मेजर कर लिए कि ठीक है ये जो है आपका 4.5 इंच का फोन है, ये डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। इनडायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब ये हुआ कि आप एक कैलिपर लेकर के आए या आप ये पेन लेकर के आए, पहले इस पेन से आपने किसको मापा, इस फोन को मापा, मेजर किया, फिर इस पेन को आप ले गए स्टील रूल के पास, फिर स्टील रूल पे इस पेन को मेजर कर लिया, अब आपने दिमाग लगाया कि ये पेन जो है 4.5 इंच का है और इस पेन से हमने क्या मेजर किया था, फोन मेजर किया था, इसका मतलब फोन कितना हुआ, 4.5 इंच का हुआ, ये क्या होगा आपका इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो गया, समझ रहे हैं। कंपेयर का मतलब क्या हुआ, कंपेयर करना, डायरेक्ट मिलान करना, कोई फिक्स आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू है, आप इसको लेकर के आए, ये इसके इतने बराबर है या नहीं, सिर्फ हाँ या ना इसमें जवाब देता है वो आपका कंपेरेटिव मेजरमेंट। तो देखिए कह रहा है कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट, तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट का सबसे बढ़िया साधन आपके पास क्या है, कैलिपर है। स्क्रू गेज डायरेक्ट होगा, स्क्राइबर आपको पता है मार्किंग डिवाइस है, है ना, तो कैलिपर जो है आपका, कैलिपर ऐसे दो भागों में बटा होता है, तो कैलिपर क्या करता है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट करता है। अगर इस पेन का आपको मेजरमेंट लेना है और कैलिपर है आपके पास, तो आप कैलिपर से इसको उतना फैला लेंगे उसके दोनों लेग्स को और यहाँ पे देख लेंगे, फिर इसको स्टील रूल के पास ले जाएंगे और देखेंगे कितना है ये, तो आपको इस पेन का मेजरमेंट पता चल जाएगा। अब देखिए ये जो कैलिपर होते हैं, ये कैलिपर को हम लोग अलग अलग तरीके से बांटते हैं, अलग अलग तरीके से कैलिपर को बांटा जाता है, कैसे, जैसे कैलिपर को आप बांटेंगे उनके लेग के आधार पर और उनके ज्वाइंट के आधार पर, बताना जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं आपके। देखिए कैलिपर होगा आपका दो प्रकार से, अगर आप लेग के आधार पर बांटेंगे या आप उसके ज्वाइंट के आधार पर बांटेंगे। अगर आप लेग के आधार पर बांटेंगे तो आपके पास इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर, सवाल यहाँ से बन सकता है इसलिए बताना जरूरी है, इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे फिटर की, ऑब्जेक्टिव की, उसमें कैलिपर का सारा ऑब्जेक्टिव कराया हुआ है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, उसको जाकर के जरूर देखना, फिटर ट्रेड थ्योरी के नाम से है दोस्त, ठीक है। ज्वाइंट के आधार पर आप क्या देखेंगे, एक स्प्रिंग ज्वाइंट होता है, एक फर्म ज्वाइंट होता है, स्प्रिंग ज्वाइंट, एक फर्म ज्वाइंट, ये आपका क्या हो गया, कैलिपर हो गया। कैलिपर से हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं और इनसाइड कैलिपर के जो लेग्स होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, यानी कि अगर कोई बाह्य मेजरमेंट करना है तो इनसाइड से करेंगे और इंटरनल मेजरमेंट करना है तो आउटसाइड से करेंगे, अपोजिट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ो दोस्त, कठोरता में हीरे के बाद एक महंगा अपघर्षी पदार्थ है, ग्राइंडिंग में चले जाइए आप, ग्राइंडिंग भी मैंने कराया अनुदेशक बैच में, कराया है ना, बिल्कुल। विच इज एन एक्सपेंसिव एब्रेसिव मटेरियल एंड नेक्स्ट टू डायमंड इन हार्डनेस। अगर डायमंड को हम लोग देखें तो डायमंड क्या है, वो प्राकृतिक है, प्राकृतिक अपघर्षी है और सबसे हार्ड है और महंगा भी है। पूछ रहा है कि डायमंड के बाद कौन सा ऐसा अपघर्षी है या कौन सा आपका एब्रेसिव मटेरियल है जो कि क्या है आपका हार्ड भी है और उससे थोड़ा सा ही सस्ता है, बाकी हर चीज़ में उसके मुकाबले बराबर है।
आपको ये बताना है। तो देखिए, सबसे अगर इसको हम लोग ऑर्डर में देखें तो सबसे हार्ड होता है आपके पास डायमंड। क्या होता है? डायमंड होता है। अब डायमंड हार्ड भी होगा और महंगा भी होगा। डायमंड कैसा होगा दोस्त? हार्ड भी होगा, महंगा भी होगा। फिर डायमंड के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो फिर हमारे पास आ जाता है क्या? बोरॉन कार्बाइड। क्या जाता है? बोरॉन कार्बाइड। बोरॉन कार्बाइड। अब इसका मतलब क्या है? डायमंड ज्यादा हार्ड है, डायमंड ज्यादा महंगा भी है। बोरॉन क्या है? डायमंड से कम हार्ड है, और बोरॉन क्या है? डायमंड से कम सस्ता भी है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग कहाँ पे? सिलिकॉन कार्बाइड पे। इसका मतलब क्या हुआ कि बोरॉन कार्बाइड जो है वो सिलिकॉन कार्बाइड से हार्ड है, महंगा भी है, और डायमंड कार्बाइड से क्या है? सॉफ्ट है, और क्या है? सस्ता भी है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है आपका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब आपसे जो पूछा जाए वो आप बता दो। तो सेकंड पूछा गया है तो बोरॉन कार्बाइड आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए। हाँ, म्यूरिएटिक एसिड के रूप में किसे जाना जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, HCl को। आगे बढ़िए। पहले से ड्रिल किए गए छेदों को सटीक आकार में फिनिश करके बड़ा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मल्टी पॉइंट कटिंग टूल को क्या कहते हैं? दो सवाल यहाँ पे और पूछेगा। क्या पूछेगा? पहली चीज तो आपसे यही पूछ लेगा कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के उदाहरण बताइए। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल अगर यही आपसे बन गया तो आपका ऑप्शन तो यहीं से एलिमिनेट हो जाएगा, और आपका क्या हो जाता है? मल्टी पॉइंट कटिंग। अब देखो दोस्त, जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा कटिंग एजेस नहीं होती हैं। किसमें? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में। जैसे आप बोरिंग ले लो, बोरिंग ले लो, शेपर ले लो, प्लेनर ले लो, है ना, स्लॉटर ले लो, इन सब चीजों को आप देखोगे तो इसमें बहुत ज्यादा कटिंग एजेस, मैक्सिमम संख्या में कटिंग एजेस नहीं होती हैं, यानी कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। कौन कौन सा? बोरिंग, शेपर, प्लेनर, स्लॉटर, ये सब किस में आ जाएगा आपका? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में आ जाएगा। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में क्या आ जाएगा? जैसे आपका मिलिंग मशीन है, मिलिंग, ग्राइंडिंग, है ना, ग्राइंडिंग, ब्रोचिंग, ब्रोचिंग, ये सब किस में आ जाएगा आपका? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में आ जाएगा। इसके अलावा रीमर भी हो जाएगा, है ना, ड्रिल भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीमर भी हो जाएगा और ड्रिल भी हो जाए। ये हो गया सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ये हो गया मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। सवाल पे आते हैं। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कह दिया है ना, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कौन सा है? यूज्ड फॉर इनलार्जिंग बाई, है ना, फिनिशिंग ए लेटर ड्रिल होल। अब कह रहा है कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, सबसे पहले मल्टी पॉइंट कटिंग टूल आप कहाँ जंप करेंगे? इधर जंप करेंगे। इधर में से कोई ऑप्शन सही आपका नहीं होगा, है ना, यानी कि ऊपर से आप कोई भी ऑप्शन सही नहीं करोगे। तो देखो, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है? मिलिंग नहीं, ग्राइंडिंग फिनिशिंग नहीं, बोरिंग नहीं, रीमर। रीमर क्या करता है? ड्रिल तो सुराख करता है, रीमर क्या करता है? अगर कोई पहले से होल है उसको एक्यूरेट साइज में क्या करना है? उसको फिनिश करना है, उसको थोड़ा सा क्या करना है? इनलार्ज करना है, बड़ा करना है। उस कंडीशन में आप क्या करोगे? यूज रीमर करोगे। बाकी इसके अलावा बताओ भाई, कोई ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है क्या? ड्रिलर है क्या? ये तो सिर्फ होल करने का काम आता है, प्राइमरी होल करने के काम आएगा क्या आपका? ड्रिलर प्राइमरी होल करने क्या काम आएगा। रिवेट किस काम आएगा? ज्वाइंट करने के काम आएगा। फास्टनर है एक टाइप का ये। वेल्डिंग क्या है? ये भी एक फास्टनिंग डिवाइस है, परमानेंट ज्वाइंट क्रिएट करने के काम आएगी। तो सबसे करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाता है? रीमर आ जाता है। ये ऑप्शन इज द करेक्ट। सही है क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। पहले से किए गए ड्रिल में छेदों को सटीक आकार में फिनिश करके बड़ा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? रीमर का प्रयोग। बोरिंग भी है लेकिन फिनिश, है ना, बेस्ट फिनिशिंग के साथ इनलार्ज करने के लिए होल को, और ऑप्शन में भी नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको कंफ्यूज ही नहीं किया ज्यादा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग हैंडल को ठीक करने के लिए किया जाता है? आई होल, चीक, फाइन फेस। अच्छा, ये सारे ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है कि हैमर की बात कर रहा है।
हमने आपको टूल वाला चैप्टर कराया है। कॉमन हैंड टूल में हमने आपको बताया कि पांच प्रकार के टूल्स होते हैं। जैसे पहले क्या होता है आपका कटिंग टूल, काटने छांटने वाला औजार, जैसे आपका फाइल हो गया, हेक्सा हो गया, चीजल हो गया, ये सब काटने वाली चीजें हो गई। दूसरे नंबर पे मेजरिंग टूल, मापने वाला, जैसे स्टील रूल हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, ये सारे मेजरिंग टूल हो गए। थर्ड नंबर पे हमने क्या आपको बताया, मार्किंग टूल। मार्किंग टूल का मतलब क्या था, चिन्ह लगाने वाले औजार, जैसे कटिंग करना है तो पहले चिन्ह लगाएंगे, जैसे स्क्राइबर हो गया, पंच हो गया, अलग अलग प्रकार स्क्राइबर हमने पढ़े। फोर्थ नंबर में हमने क्या पढ़ा था, होल्डिंग टूल। होल्डिंग टूल छोटे मोटे जॉब में अगर आपको ऑपरेशन करना है, कोई बड़ा भी ऑब्जेक्ट है, कुछ काम करना है, कटिंग करना है, उसमें ड्रिलिंग करना है, फाइलिंग करना है, उसके लिए उस टूल को क्या पढ़ना है, उस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, पकड़ना है किसी न किसी चीज़ से, तो उसको होल्डिंग टूल कहेंगे। जैसे वाइस हो गया, बेंच वाइस हो गया, अलग अलग लेग वाइस हो गया, पिन वाइस हो गया, सी क्लैंप हो गया, तो आपका वाइस और क्लैंप वो किस में चला जाएगा, होल्डिंग टूल में चला। लास्ट में हमने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा, स्ट्राइकिंग टूल। स्ट्राइकिंग इसमें अलग अलग प्रकार के हैमर्स के बारे में हमने आपको बताया था, अलग अलग प्रकार के हैमर के बारे में हमने आपको बताया था। उस हैमर में अगर उसके पार्ट्स में आप जाते थे तो जो आपका हैमर है ना, जो आपका हैमर है आप देखेंगे ये क्या था, ये हैंडल था, है ना, ये क्या था आपका फेस था, है ना, ये क्या था आपका, यहाँ पे आपका एक होल हुआ करता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, आई होल बोलते थे। इसी आई होल में हमारा हैंडल जा करके फिट होता था, और ये किसी न किसी मेटल का बना होता था, अगर हैमर मेटल वाला है, अगर हैमर जो है आपका मैलेट है या प्लास्टिक हैमर है, रबड़ हैमर है, तो वो उस मटेरियल का बना होगा। अब जो ये यहाँ पे होल होता था ना, तो पूरा मटेरियल तो हटता नहीं था, तो उस होल के बाहर वाली जो संरचना होती थी उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे चीक, और ये क्या है आपका पिन है, इसको यहाँ पे पाइन लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि किसका उद्देश्य, हैंडल को ठीक करने के लिए किया जाता है, हैंडल को फिक्स करने के लिए, फिक्स द हैंडल। तो हैंडल फिक्स कहाँ हो रहा है, इस होल में हो रहा है, तो क्या है आपका आई होल हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा बियरिंग बाहरी और भीतरी सदस्यों में ग्रूव रेस के साथ उपलब्ध है। अभी कल ही मैंने बियरिंग का चैप्टर कराया, बहुत विधिवत तरीके से अलग अलग प्रकार की बियरिंग, कम से कम हम लोगों ने 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 16, 17 टाइप की बियरिंग को एक ही क्लासिफिकेशन में एक पेज में मैंने आपको याद करना सिखाया, और वहां से सवाल बनेगा। तो ये सब रोलर बियरिंग, डबल वॉल बियरिंग, सेल्फ अलाइनमेंट रोल बियरिंग, नीडल बियरिंग सब हमने पढ़ा ना, लेकिन यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बियरिंग इज अवेलेबल विद ग्रूव्ड रेस इन द आउटर एंड इनर मेंबर। मैंने बताया था ना कि जो रोलर बियरिंग होती है दोस्त, एक तो आपका आउटर रिंग होती है, एक आपकी इनर रिंग होती है, ये भी बताया था ना बियरिंग वाली क्लास में कल ही। यहाँ पे लगे होते हैं छोटे छोटे रोलर, अब ये रोलर आपस में सट ना जाएं, आपस में सट करके इकट्ठा ना हो जाएं, एक ही जगह ना हो जाएं, इसके लिए हमको क्या किया जाता है कि इनर रिंग और आउटर रिंग है ना, देखिए जो इनर रिंग है उसके बाहरी सरफेस पर और जो आउटर रिंग है उसके आंतरिक सरफेस पर हमको क्या किया जाता है, एक ग्रूव रेस बनाया जाता है, एक ग्रूव रेस बनाया जाता है। किसमें बनाया जाता है, रोलर बियरिंग में, यही सवाल है आपका, यही आंसर है रोलर बियरिंग। आगे बढ़े, किस प्रकार की गांठ से चौकोर आकार का पैटर्न बनता है, हिंदी नहीं समझ पाओगे आप, विच टाइप ऑफ नर्लिंग मेक अ स्क्वायर शेप्ड पैटर्न। नर्लिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जैसे कोई भी मजबूत पकड़ बनाने के लिए अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट है, कोई टूल है, तो उसके हैंडल पे अगर आप कोई शेप या कोई स्ट्रक्चर देंगे तो पकड़ने में आसानी होगी, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी टूल, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी उपकरण आप पकड़ रहे हैं बहुत तेजी से, तो हाथ में आपके पसीने की वजह से या स्लिप की वजह से, किसी वजह से वो औजार आपके हाथों से छूट सकता है। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, नर्लिंग करते हैं। देखिए नर्लिंग, डायमंड नर्लिंग क्या होती है, डायमंड नर्लिंग में डाइयों के द्वारा डायमंड नर्लिंग की जाती है। जैसे मान चले कि आपके पास ये एक हैंडल है, इस पे आपको डायमंड नर्लिंग करनी है, तो दो डाई आएंगी, एक डाई में लेफ्ट वर्ड कांचे कटे रहेंगे, एक डाई में कैसा रहेगा, राइट वर्ड खांचा कटा रहेगा।
इस टाइप से आपकी नर्लिंग हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमंड नर्लिंग बोलते हैं। क्रॉस नर्लिंग का मतलब क्या हुआ, क्रॉस नर्लिंग का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल बिल्कुल 90 डिग्री पर हमारा नर्लिंग कर दिया जाए हैंडल पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस नर्लिंग बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस नर्लिंग बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमंड नर्लिंग। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कनकेव नर्लिंग, है ना, कनकेव नर्लिंग। उसके अलावा हमारे पास कन्वेक्स नर्लिंग भी होता है। कनकेव नर्लिंग का मतलब ये हुआ कि आपके पास ये हैंडल हुआ, इस प्रकार से आपको नर्लिंग अगर देखना हो, कनकेव नर्लिंग है, ये आपका हैंडल हुआ और इस प्रकार से आपको देखने को कन्वेक्स नर्लिंग। का काम यही है कि मजबूत पकड़ बनाने के लिए स्लिपिंग ना हो। कह रहा है कि नर्लिंग में एक स्क्वायर से पैटर्न, तो वो क्या हो जाएगी, क्रॉस नर्लिंग। क्रॉस नर्लिंग से हमारी क्या होती है, स्क्वायर, है ना, आप देख रहे हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री। और ये क्या है आपका, ये आपका डायमंड है। इसमें दो डाइयों के द्वारा लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड में खांचे कटे होते हैं जो कि नर्लिंग करते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। ये इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रॉस नर्लिंग हो जाएगा, चौकोर आकार देने के लिए, है ना, स्क्वायर शेप देने के लिए। फिर आगे हम लोग पढ़ें, जो एक पूर्ण क्रांति के दौरान थ्रेडेड घटक मेल खाने वाले घटक के साथ चलने वाली धुरी को संदर्भित करता है। समझ नहीं पाएंगे आप लोग, इधर देखते हैं, पेपर भी आप लोग इंग्लिश में अटेम्प्ट। विच रेफर टू द डिस्टेंस ऑफ अ थ्रेडेड कंपोनेंट मूव अलोंग द मैचिंग कंपोनेंट वन कंप्लीट। आपने स्क्रू पढ़ा ना, पढ़ा है आपने, उसमें इस टाइप से आपकी थ्रेड होती थी। हमने आपको बताया था ये क्या है आपका, क्रेस्ट है, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, फेस है, जैसी को लैंड भी कहते हैं। यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, पिच बोलते हैं। या इस टॉप एंड से, है ना, क्रेस्ट से क्रेस्ट की दूरी या रूट से रूट की दूरी अगर हम लोग मेजर करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। अब कोई नट इसके ऊपर हमने लगाया, वो नट एक रिवॉल्यूशन में, है ना, कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन में जितना आपका पिच ट्रैवल कर जाए, जितना दूरी तय कर जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको लोग स्पीड बोलते हैं। ये डिपेंड करता है ना, क्योंकि जो आपकी थ्रेड होती है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड है या डबल स्टार्ट थ्रेड है या ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड है, अगर सिंगल स्टार्ट थ्रेड होगी तो एक लीड में वो एक पिच ट्रैवल करेगी, है ना, यानी कि उसका एल बराबर क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा फॉर सिंगल स्टार्ट थ्रेड। इसका आंसर लीड होगा, ये कैसे होगा, ये तो मैंने बताया ना, ये एक्स्ट्रा है ना, अगर सिंगल स्टार्ट थ्रेड है तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पिच हो जाएगा, है ना। वहीं पे अगर आपका डबल है या ट्रिपल है तो क्या हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा 3P। यानी कि एक लीड जब वो चलेगा, एक पूरा का पूरा चक्कर लगाएगा, तो 3 पिच आगे बढ़ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड। ट्रिपल स्टार्ट, समझ रहे हैं, अगर आपने नट को यहाँ पे घुमाया तो यहाँ से यहाँ तक पूरे पूरे एक चक्कर में यहाँ तक ट्रैवल किया, सिर्फ एक पिच उसने ट्रैवल किया तो स्टार्ट कहलाएगा। एक पिच ये भी ट्रैवल कर लिया, एक पिच ये भी ट्रैवल कर लिया, दो कर लिया एक बार ही घुमाने पे पूरा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल स्टार्ट बोलेंगे। और 3 पिच आगे बढ़ गया तो उसको हम लोग ट्रिपल स्टार्ट बोलेंगे, है ना। इसके अलावा फ्लैंक हमने बताया, पिच बताया, हेलिक्स एंगल, क्लियर है, सारी चीज़ें कवर हैं क्लासेस में। आगे बढ़ें, कौन सा रेगुलेटर सिस्टम में दो स्थानों के बीच दबाव के अंतर को बनाए रखता है। ये कंप्रेस्ड एयर की बात कर रहा है, कंप्रेसर्स की बात कर रहा है, कि कौन से प्रकार का आपका रेगुलेटर है जो दो स्थानों पर क्या कर रहा है, जो लोकेशन पर सिस्टम में प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करता है, ऐसे रेगुलेटर को आपको बताना है। तो ऐसा कौन सा रेगुलेटर है दोस्त, वो है आपका डिफरेंशियल या बायोसिलेटर है। डिफरेंशियल या बायस रेगुलेटर क्या करता है, दो स्थान पर दो प्रेशर को आपस में डिफरेंस को मेंटेन करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल और बायस रेगुलेटर कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो आप जनरल पर्पस रेगुलेटर देख रहे हैं, ये कहाँ काम करता है, ऐसी जगह पर काम करता है जहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबव प्रेशर हो, एटीएम प्रेशर से ऊपर, ऐसी जगह पर जो आपका काम करेगा वो क्या करेगा,
जनरल पर्पस रेगुलेटर कार्य करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर। और आप यहाँ पे देखेंगे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से है, तो जो मेन आपका चैनल होता है, मेन चैनल होता है, उससे कम प्रेशर पर अगर आपको काम करना है तो वहाँ पे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व काम करेगा। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डिफरेंशियल या पूर्वाग्रह, अंतर या पूर्वाग्रह। कौन सा ये रेगुलेटर क्या करता है? दो स्थानों के बीच के दाब अंतर को बनाए रखता है। क्लियर है दोस्त? आगे बढ़ें। जो भार को सीधी रेखा में ले जाता है और न्यूमेटिक बल को एक दिशा में लगाता है वो क्या कहलाता है? देखिए सिलेंडर, हाँ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, एक ही दिशा में लगा रहा है भार को, मूव लोड अलोंग द स्ट्रेट लाइन एंड अप्लाई न्यूमेटिक फोर्स इन वन डायरेक्शन। न्यूमेटिक वाला एक चैप्टर है ना, उस चैप्टर से है ये। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में हमेशा जो आपका पिस्टन होता है सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है, मूव दोनों डायरेक्शन में करता है, लोड हमेशा एक डायरेक्शन में लगाता है। डबल एक्टिंग, जैसे आपने पंप में देखा है डोलिक ना, वैसे डबल एक्टिंग सिंगल एक्टिंग, वो वाला सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग। तो ये क्या है? सिंगल एक्टिंग सिलेंडर क्या करता है? एक सीधे बल को क्या करता है? एक दिशा में लगाता है और भार को एक सीधी रेखा में क्या करता है? ले जाता है। जब पुली या हब को शाफ्ट पर कुछ दूरी तक अक्षीय रूप में स्लाइड करना पड़ता है तो कौन सा उपयोगी होता है? तो कौन सा उपयोगी होता है उस समय? हमारा उपयोगी होता है फीडर की। टाइप ऑफ की में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी ये चैप्टर की वाला चैप्टर हमने कराया नहीं है, लेकिन की वाला चैप्टर हम जल्द ही कराएंगे। वहाँ पे आप देखेंगे की का काम क्या होता है। की जनरली माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। की का काम क्या होता है कि दो शाफ्ट आपस में अगर हैं, है ना, दो शाफ्ट आपस में हैं, उनमें क्या करना है? पावर का ट्रांसमिशन करना है। के बीच में हम लोग की के द्वारा क्या करते हैं? पावर का ट्रांसमिशन, ऐसे की लगाते हैं, जिसमें हम लोग सर्कुलर ट्रेपर की, फीदर की, फ्लैट की, राउंड की, गिब हेड की, अलग अलग टाइप की पढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फीदर की हो जाएगा। इसका क्लास आगे लेक्चर आएगा, उसमें बहुत अच्छे से आपका कवर कराया जाएगा। विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ एन असेंबली और मैकेनिज्म दैट सपोर्ट अनदर पार्ट इन द असेंबली, है ना। क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा है ऑब्जेक्ट जो किसी असेंबली में किसी पार्ट को सपोर्ट करता है, सहारा देता है या गाइड करता है। कल बियरिंग का चैप्टर हुआ ना, उसकी थ्योरी पहली लाइन हमने यही बताया था कि किसी भी असेंबली में शाफ्ट को क्या करता है, ये सहारा देता है या गाइड करता है, सपोर्ट करता है, वो क्या कहलाती है आपकी? बियरिंग कहलाती है। बियरिंग, फ्रिक्शन बियरिंग, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, है ना। नहीं जरूरत है, क्लास में कराया हूँ मैं। फिर एंटी फ्रिक्शन में आप रोलर बियरिंग, बॉल बियरिंग, फ्रिक्शन बियरिंग में आप स्लीव या स्लीपर बियरिंग, उसी में फुट स्टेप बियरिंग, अलग अलग टाइप की बियरिंग देखेंगे। तो ये क्या है आपका? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। बड़ी मात्रा में धातु को तेजी से हटाने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं? रफ फाइल का। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक डीह्यूमिडिफिकेशन मेम्ब्रेन को संदर्भित करता है जो कंप्रेस्ड एयर से जल वाष्प को हटाता है? यानी कि कंप्रेस्ड एयर है वहां पे कहीं पे, वहां से जो वाटर वेपर है, जल वाष्प है, उसको हटाने का काम कौन करता है? तो वो कौन करता है? मेम्ब्रेन ड्रायर। कौन करता है? मेम्ब्रेन ड्रायर करता है दोस्त। आगे बढ़ा जाए। किस उपकरण में डेटम लाइन के ऊपर समान दूरी पर अतिरिक्त ग्रेजुएशन होती है? तो हथौड़ा पे होती है क्या? कोई ग्रेजुएशन होता है क्या यहाँ पे? ग्रेजुएशन का मतलब है कि कोई डिजिट लिखा होता है क्या हैमर पे मेजरमेंट करने के लिए? कैलिपर पे होता है क्या? पेच गेज नहीं, इसका क्या हो जाएगा? वर्नियर कैलिपर हो जाएगा। डेटम लाइन के ऊपर समान दूरी पर अतिरिक्त ग्रेजुएशन होता है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। नल रिंचों का प्रयोग करके छिद्रों को रीम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, इसका प्रयोग करते हैं। विच इज यूज रीम्स होल यूजिंग टाइप रिंच, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हैंड रीमर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? टाइप रिंच का प्रयोग करके हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हैंड रीमर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है यहां तक दोस्त? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़े। ये भी क्या है? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल ना, रीमर है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है रीमर, है ना। यूज रीम होल्स यूजिंग टैप रेंच, हैंड रीमर। टैप रेंच का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं? इसमें होल्स करते हैं, होल्स को रीम करते हैं। तो किस रूम रीम के द्वारा? तो हम लोग परफॉर्म करते हैं हैंड रीमर के द्वारा। इसकी जो शैंक होती है ना वो स्ट्रेट होती है, इसकी जो शैंक होती है वो सीधी होती है।
है और अंतिम सिरा कैसा होता है? वो होता है आपका स्क्वायर शेप में। कैसा होता है? स्क्वायर यानी वर्गाकार होता है, वर्गाकार होता है। आगे बढ़ें। विच इज यूज टू मेजर द साइज ऑफ अ वायर एंड थिकनेस ऑफ सीट। कोई वायर है या आपके पास कोई शीट है, उसको मेजर करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं SWG। इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड वायर गेज। ये चलता है दोस्त 0 से लेकर के 36 तक या 40 तक। अब 0 नंबर है, बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 40 तक, तो आपको लगेगा कि साइज बढ़ रहा है। नहीं, अगर 40 नंबर का, 40 गेज का अगर कोई आपके पास सीट है या वायर है, इसका मतलब है कि उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई कम है, मोटाई कम है। 0 गेज का है तो ज्यादा है, ज्यादा मोटी है वो सीट। अब 0 और 40 की वैल्यू अगर आपको पता चल जाए, तो 40 का मतलब होता है 0.15 mm लगभग, और 0 का मतलब होता है 8 mm लगभग। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई हमारे पास ऐसा ऑब्जेक्ट है जो 0.15 mm से भी पतला है, वो सीट नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी मेरे दोस्त क्या? वो कहलाएगी फॉइल। वो फॉइल कहलाएगी, वही फॉइल जिसमें आप लोग खाना पैक करके ले जाते हो, वो फॉइल कहलाने लगेगी। 8 mm से मोटी हुई तो वो सीट नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी प्लेट। अरे भाई, ये पूछा जाता है, तो कहाँ से कहाँ तक चलता है? 0 से 40। फिलहाल आंसर आपका सिर्फ इतना था कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे मेजर करते हैं, तो SWG। SWG के बारे में इतना डिटेल हमने आपको बताया, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ा जाए। सोल्डरिंग प्रक्रिया में शामिल होने वाली सबसे आसान धातु कौन सी होती है? तो टिंड प्लेट होती है। आगे बढ़े हम लोग। मशीन पर लगे ड्रिल के ड्राइविंग सिरे को कौन संदर्भित करता है? ड्राइविंग सिरे पर, ड्राइविंग सिरा जो है वो कहाँ पे लगा होता है? फ्लूट पे होता है, शैंक पे होता है, बॉडी पे होता है, टैंक पे होता है, कहाँ पे होता है? पूरा तो मैंने बताया है ना आपको, कहाँ पे होता है? वो शैंक पे होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ें। बल की इकाई क्या है? आगे बढ़ें। विच काइंड ऑफ जिग इज हिंज कवर विद अ लैच क्लैंप फॉर इजी लोडिंग एंड अनलोडिंग कंपोनेंट्स। तो कौन सा होता है? लीफ। जो आप यहाँ पे लैच क्लैंप कह रहे हैं ना, लीफ जिग को हम लोग लैच जिग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लैच जिग के नाम से। तो कभी लैच जिग आए तो लैच जिग का नाम लीफ जिग होता है। इसमें आसान होती है लोडिंग और अनलोडिंग। जिग और फिक्सर के बारे में तो पता है ना आपको, आसान लोडिंग अनलोडिंग। आगे बढ़े। विच इज अ रेफरेंस सरफेस लाइन आर पॉइंट एंड इट्स पर्पज आर प्रोवाइड अ कॉमन पोजिशन फ्रॉम विच मेजरमेंट आज टेकन। ऐसा कॉमन पोजिशन, ऐसा मेन सरफेस जहाँ से हम लोग सारा मेजरमेंट करते हैं, उसको हम लोग डेटम लाइन कहते हैं, है ना? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटम लाइन बोलते हैं। कौन सा तापमान उस तापमान को संदर्भित करता है जिस पर तेल से वाष्प छोड़ा जाता है? देखिए, वाष्प, जब तेल आपका वाष्प बनना स्टार्ट कर दे, देखिए, एक तो पॉर पॉइंट होता है, फायर पॉइंट होता है, फ्लैश पॉइंट होता है। इन सभी का मतलब आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जो आप फ्लैश पॉइंट देख रहे हैं, वह टेम्परेचर होता है किसी भी लुब्रिकेशन का या किसी भी ऑयल का, जब उस पर वाष्प निकलना शुरू हो जाए, वाष्प निकलना शुरू हो जाए, वो क्या होता है? फ्लैश पॉइंट होता है। अब ये क्या है आपका? इमुलिफिकेशन। इमुलिफिकेशन का मतलब क्या है? कि पानी के साथ कितना जल्दी से वो मिल पा रहा है, ये इमुलिफिकेशन है ना? यानी कि मिसेबिलिटी है, ये मिश्रण है ना, कितनी जल्दी मिश्रण बना लेता है, ये मिश्रण कितनी जल्दी बना लेता है पानी के साथ। पॉर पॉइंट का मतलब क्या हुआ? बहने का गुण। ऐसा टेम्परेचर जिस पर आपका क्या है, आसानी से बहने लगे, बहने की क्वालिटी, पॉर पॉइंट। फायर पॉइंट क्या है? ऐसा टेम्परेचर जिस पर जो आपका फ्यूल है, ऑयल है, या आपका लुब्रिकेंट है, वो जलने लग जाए, आग उसमें लग जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फायर पॉइंट बोलते हैं। आग लग जाए वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? आपका फायर पॉइंट कहलाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें।
आगे आज के लिए ये चैप्टर आपके हो गए हैं समाप्त। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अभी एक लेक्चर और है, उसमें आपका ये आपका पूरा का पूरा फर्स्ट शिफ्ट का कवर हो जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, और ऑब्जेक्टिव पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसके आगे का लेक्चर आपको उसी में देखने को मिलेगा। तो फिटर ट्रेड थ्योरी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर सारी क्लासेस आप देख लीजिएगा, तब एग्ज़ाम दे करके आइएगा। इसके अलावा अनुदेशक बैच में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर से ज़रूर जाएँ, क्योंकि एक जॉब के लिए कुछ भी करना है आपको, कहीं से भी करना है, कोई भी किताब आप अगर आप आपके पास नहीं है बढ़िया बुक, तो बुक के बारे में मैंने बताया है। अगर आप बुक से अच्छे तरह से कवर कर रहे हैं तो हमारा ये मॉक टेस्ट आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। 10 टेस्ट आपको मिलेगा इसमें ITAT नाम से। इस टेस्ट को लें, इस नोट्स को लें। हाँ, कोर्स लेंगे तो कोर्स के साथ में ये दोनों चीज़ें मैं आपको ऐड ही करवा दिया हूँ, तो आपको अलग से कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 499 का ये कम्प्लीट कोर्स है, यहाँ से जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और पढ़िए। आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।